केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। मुर्गी के दाने की आड़ में ट्रक में छिपाकर ले जा रही थी शराब, पुलिस ने किया जब्त। बिहार में सुशासन बाबू चाहे कितने दावे कर ले, लेकिन बिहार में शराब पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित है, लेकिन उनके खोखले दावे हमेशा फेल साबित होते रहे हैं। ये दावे सिर्फ कहने के लिए हैं, जबकि हकीकत यह है कि पूरे बिहार में शराब की खरीदी बिक्री और यहाँ तक कि होम डिलीवरी बड़े ही धड़ल्ले से की जा रही है। एक नया मामला आज बेगूसराय जिले के साहिबपुर कमाल थाना क्षेत्र के बोलबम पेट्रोल पंप के पास की है, जहां उत्पाद विभाग ने सघन वाहन चेकिंग के दौरान एक रांची से आ रहे ट्रक को दबोचा, जिसमें मुर्गे के दाने की आड़ में शराब के कई कार्टून पाए गए। पुलिस ने ट्रक के चालक को गिरफ्तार कर लिया है। शराब की मात्रा कितनी है, यह गिनती अभी जारी है। इस बाबत उत्पाद डीएसपी ने बताया कि उन्हें पूर्व में गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड से एक ट्रक में विदेशी शराब की खेप बेगूसराय आ रही है। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई है और साहिबपुर कमाल में सघन वाहन चेकिंग शुरू कर दी, जिसके दौरान ट्रक को पकड़ लिया गया। उन्होंने बताया कि ट्रक में मुर्गी का दाना भरा हुआ था, जिसकी आड़ में शराब के कार्टून को छुपाकर झारखंड के रांची से लाया जा रहा था। फिलहाल चालक हीरालाल, जो राजस्थान के पाली निवासी हैं, उसे पुलिस गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस इसे एक बड़ी उपलब्धि मान रही है। रिपोर्ट मोहम्मद नबी आलम के आधार पर साहिबपुर कमाल में बोलबम पेट्रोल पंप पास में हम लोग एक ट्रक का सघन जांच किया, जिसमें भारी मात्रा में विदेशी शराब, जो कि रांची से बेगूसराय में बेचने के लिए ला रहा था, तो चोर व्यापार, इसकी विशेष जांच की जा रही है। वहीं पर हम लोग ने ड्राइवर के साथ ट्रक को जब्त किया है। क्या नाम है ड्राइवर का? ड्राइवर का नाम है हीरालाल, जो कि राजस्थान का पाली जिले का रहने वाला है।